पहले से जानते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस बदहाल बिहार को इन्होंने खुशहाल बिहार बनाने का काम किया है, तो यही रिजल्ट आने वाला था। हम लोग की जो विकास है, योजना है, उसको देखते हुए जनता वोट करती है। 15 साल तक इन्होंने खूब विकास किया। नीतीश कुमार के साथ बिहार के लोगों का विश्वास है, 5 साल और ये CM रहेंगे, खूब विकास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आज 10 नवंबर है और आज नतीजे घोषित होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अभी हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना के JDU दफ्तर के पास JDU का कार्यालय है, जहां पर अभी हम खड़े हैं, इस वक्त मौजूद हैं। और आप हमारे पीछे देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे अब भीड़ भी जुटना शुरू हुई है, और जिस तरीके से NDA के यहाँ पर अभी रुझान आ रहे हैं, खुद ब खुद आपको उसको देखो लगेगा कि बराबरी की टक्कर जिस तरीके से सुबह चल रही थी, तो वहाँ पे अब NDA जो है वो उछाल मार रहा है। लेकिन अभी कुछ देर और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और उसके बाद पता चलेगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे कि आखिर बिहार की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर JDU कार्यालय में धीरे धीरे अब भीड़ भी जुटनी शुरू हुई है। कुछ देर में, कुछ ही क्षणों में अब विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है घोषित होने वाले हैं। उससे पहले अंदाज़ा लगाएं तो NDA जो है अभी NDA जो है वो उछाल मार रहा है, महागठबंधन पीछे की ओर है, बैकफुट की ओर जा रहा है। लेकिन कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है, जो रिजल्ट है, वो घोषित होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से NDA अब सुबह में जिस तरीके के रुझान थे, जब 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, उस वक्त जिस तरीके से बराबरी का जो टक्कर चल रहा था महागठबंधन और NDA में, अब जाकर अगर मैं बात करूं तो दूसरे पहले रुझान के बाद अब दूसरे रुझान में जिस तरीके से NDA आगे बढ़ा है और टक्कर में वो आगे निकला है, तो अब देखना ये है कि क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्या फिर से नीतीश सरकार बिहार में होगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको उम्मीद वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार और फिर पता चले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम JDU कार्यालय में, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, और NDA जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है महागठबंधन को पीछे करके, तो अब थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा इंतज़ार और पता चलेगा सरकार किसी बने के। लेकिन अभी हम JDU कार्यालय में हैं और यहाँ पर बात करते हैं इनसे खुद, किस तरीके की खुशी, किस तरीके से जश्न का माहौल JDU के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह अगर मैं बात करूं, तो सुबह जिस तरीके से जब वोटों की गिनती शुरू हुई, उसके बाद से महागठबंधन और जो NDA है वो टक्कर बराबरी की थी। महागठबंधन आगे भी जा रहा था, हम बता नहीं सकते कि कौन कितना जीत रहा है, कितना पीछे जा रहा है, लेकिन टक्कर बराबरी की चल रही है। तेजस्वी की पार्टी भी और महागठबंधन जो है तगड़ी टक्कर दे रही है इधर NDA को। लेकिन जिस तरीके से अभी NDA आगे जा रहा है, ठीक है, दूसरे रुझान के बाद से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं पार्टी का सचिव हूँ JDU का, और हम लोग पहले से जानते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस बदहाल बिहार को इन्होंने खुशहाल बिहार बनाने का काम किया है, तो यही रिजल्ट आने वाला था। तो ये जो थोड़ा बहुत रुझान के बारे में आप मीडिया के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि वो 181 और हम 55-57 पर आ रहे हैं, ये बिल्कुल हास्यास्पद था। क्योंकि हमारे पास 15 साल का विकास था, हमारे पास आस्था था, हमारे पास महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, और सबसे बड़ी बात जो है वो विश्वास का था। नीतीश कुमार के साथ बिहार के लोगों का विश्वास है, और जब ये विश्वास था तो हम जानते थे कि अंततः यही होगा, हम चुनाव जीतेंगे, NDA चुनाव जीतेगा, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः एक बार हम लोग जो विकास का गति है उसको। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था इस बार का जो ये चुनाव है उनका आखिरी चुनाव होगा, किस नज़र से देख रहे हैं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी बड़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़ी गंभीर राजनीति उन्होंने किया है, और पूरे राजनीतिक जीवन में हर एक लोग जानता है कि वो ओछी बात नहीं करते, कभी कभी बड़े वो भावुक हो जाते हैं जब दुखी लोगों को देखते हैं, या कोई इमोशनल बात होती है तो वो भावनाएं बह जाते हैं। उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं अब ये अंतिम बार चुनावी राजनीति में आया हूँ, लेकिन उनके साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है, उनके पास JDU खड़ा है, उनके पीठ के पीछे उनके पीछे NDA खड़ा है, उन्हें पुनर्विचार करना होगा क्योंकि उनके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो तो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? निसंदेह, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने, सुशील मोदी ने, हमारे NDA के जो भी बड़े नेता हैं, उन लोगों का स्पष्ट मानना है कि हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो स्वाभाविक रूप से यह जो दायित्व है उसी व्यक्ति के कंधे पड़ेगा जिन्होंने बिहार को खुशहाल बिहार के पथ पर लाने का काम किया। बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर NDA जो आगे जा रहा है, अभी कि अगर हम रुझान की बात करें तो महागठबंधन को पीछे करके जा रहा है, महागठबंधन बराबरी की टक्कर भी दे रहा था सुबह की अगर हम बात करें, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई, उसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं क्या बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, जब पूरे चैनल एजेंसी का न्यूज का सर्वे आया, एग्जिट पोल आया, तो हमने अपने लोगों को कहा कि 2005, 2010 और 2015
बिहार के धरती पर बिहार के जनता ने उसको खारिज कर दिया था, और फिर 20 में भी ऐसा ही होने वाला है। सर्वेयर हमारे पत्रकार बंधु रोड में गए या फोन से अपनी बात रखा उन्होंने, लेकिन जनता या गरीब परिवार के लोग या महिला मतदाता जो बूथ तक गई और बूथ से लौट के जो घर आई वहाँ पत्रकार नहीं थे। ये जनादेश है बिहार का, बिहार में विकास हुआ है। कहाँ था बिहार, किस हाल में बिहार था 2005 के पहले का बिहार? और माँ बहन बेटी भी देर रात बलखा के घर जाती है, स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, अपना काम करती है, नौकरियां करती है, रोजगार करते हैं, पत्रकारिता कितने अवसर प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ था? नीतीश कुमार जी के साथ आज फिर बिहार इस रूप से कई तरफ से नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी भी की गई। आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? जी जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के नतीजों में बिल्कुल, चूँकि जब से भारत आज़ाद हुआ है ऐसा सीएम अब तक बिहार को नहीं मिला है, जब से भारत आज़ाद हुआ है ऐसा सीएम बिहार को नहीं मिला है। 15 साल तक इन्होंने खूब विकास किया, 5 साल और ये सीएम रहेंगे, खूब विकास करेंगे, ठीक है ना? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, श्योर? ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जदयू कार्यालय में जिस तरीके से गहमा गहमी अब शुरू हो गई है, भीड़ लगना, भीड़ जुटना शुरू हो गया है, और यहाँ पर लगातार अब लोग कह रहे हैं कि चौथी बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पे कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में उनका क्या कहना है। से लेके पीजी तक का फी हम लोग का माफ़ है, उसके बाद आप देख लीजिए आरक्षण मिला हुआ हम लोग को सरकारी नौकरी में, और पंचायत में 50% आरक्षण है। तो इस तरह से लगातार इतना योजना उन्होंने निकाला है, खाली महिलाओं नहीं हर एक युवा के लिए एक बहुत सारा योजना है जिसको देखते हुए युवाओं ने उन्हें वोट दिया है। और जो कहते हैं 10 लाख वोट देंगे, तो सबको पता है युवा जानते 10 लाख वोट नहीं 10 लाख नौकरी देंगे। हाँ वही 10 लाख, सॉरी 10 लाख नौकरी देने की बात है, सबको पता है 10 लाख नौकरी वो देंगे कि 10 लाख में नौकरी देंगे, ये सब जानती है। 15 साल के विकास के भी देख चुके हैं सभी लोग। एंड इस बार का जो मैनिफेस्टो आया था एनडीए का वो भी ये है कि 19 लाख नौकरी इन्होंने भी बोली है, क्या लगता है वो देंगे सरकार में? बिल्कुल देंगे, जिस तरह से आप देख लीजिए ना, जिस तरह से योजना निकालते हैं उस पर काम करते हैं नीतीश कुमार जी, और मतलब काम करते हैं, वोट उन्हीं पे मिलती है, और जितना आप देख रहे हैं वोटिंग पड़ रहा है तो उनके विकास में ही पड़ रहा है, कोई इस तरह से जुमलाबाजी तो हम लोग करते नहीं है। तो इस पे हम लोग के जो विकास है योजना है उसको देखते हुए जनता वोट करती है। आपके अनुसार से मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार ही बनेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पे ही सबका भरोसा फिर से जग रहा है, फिर से लोगों का कहना है कि लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब क्या कुछ होने वाला है, नतीजे जो है कुछ देर में अब घोषित होने वाले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव खुद में भी इस बार खास है क्योंकि ये कोविड काल में, कोरोना काल में लोकतंत्र का ये पर्व मनाया गया है। 3 चरण के मतदान के बाद आज 10 नवंबर को आज नतीजे जो है घोषित होने वाले हैं, और जिस तरीके से एनडीए ने अभी के रुझानों में महागठबंधन को पीछे करके वो आगे गई है, क्या कुछ होगा थोड़ा सा सब्र करिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि सब्र का ही फल मीठा होता है और पता चलेगा कि सरकार बिहार की धरती पर किसकी बनेगी। धन्यवाद।